हमें करने के लिए। चलिए आनंद का रुख कर लेते हैं, इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। आनंद, आज का दिन तो खास है ही, यदि आप तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि खबरें हम ये भी दिखा रहे थे अपने तमाम दर्शकों को, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई कि अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई है और अभी से ही पूड़ियां तली जा रही हैं, मिठाइयां बनना शुरू हो गई हैं, क्या कुछ जानकारी आनंद? आलम ये है कि तमाम पोल्स में, और दिखाता हूं मुख्यालय में इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए मुख्यालय का आलम यह है कि तमाम पोल्स में जहां बीजेपी कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा था कि बीजेपी एक बार फिर रिपीट करेगी, मोदी सरकार 3.0 बनेगी, तो उसके पहले ही बीजेपी इसको लेकर बेहद ही अटैकिंग है या कहें अग्रेसिव है। और देखिए तमाम विजुअल्स आप देख सकते हैं, बीजेपी मुख्यालय में पूड़ी बेलने से लेकर तमाम चीजें शुरू हो चुकी है। दरअसल जैसे ही 8 बजे से मतगणना शुरू होगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि बीजेपी एक बार फिर जश्न मनाएगी, फिर सरकार बनाएगी। उसके साथ ये विजुअल्स देखिए आप, पूड़ी तलने से लेके तमाम खाने को लेकर, अगर खाने के व्यंजनों की बात की जाए तो आप सामने देख सकते हैं गरम गरम पूड़ी निकाली जा रही है, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें। कहते हैं भारत की संस्कृति कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी होती तो उसकी शुरुआत मीठे से होती है। तो आप देखिए ये सामने हलवा रखा हुआ है, हलवे से लेकर तमाम व्यंजनों को आज परोसा जाएगा लोगों के बीच, जो कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। उसके साथ साथ मटर पनीर से लेके कढ़ी से लेके तमाम अलग अलग व्यंजन आप देखिए मुख्यालय में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पेट को लेकर या जब भी कोई जश्न होता है तो घरों में लोगों को आमंत्रित किया जाता है खाने को लेकर। और आज जब लोकतंत्र के सबसे बड़ा दिन हो यानी मतगणना हो, तो बीजेपी ने उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार की है। आपको देखिए वैरायटीज ऑफ खाना देखने को मिलेगा। आनंद, वो वैरायटी जो आप दिखा रहे हैं ना हमें, वो वैरायटी हम देख रहे हैं, लेकिन तमाम बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कांग्रेस का कि ये तो कार्यकर्ताओं के लिए है ना, पूरे दिन तो भूखे हैं, तो यहाँ पर इस चीज को किसी और एंगल पर लेके जाया जा रहा है कि देखिए ये तो भूखे हैं, दिन भर खाना तो खाएंगे, लेकिन ये हम जो देख पा रहे हैं कि क्या वो कांग्रेस देख पा रही है नहीं, ये भी जरा बताइए। देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों को समझती है, और आप उसके बड़े नेता चाहे भूपेश बघेल को देखें, दिग्विजय सिंह को ट्वीट करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है, जिससे उनको ट्वीट आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, वो चीज़ें साफ तौर पर स्पष्ट हो रही हैं। तमाम आंकड़े देखेंगे जो एग्जिट पोल के वो सामने आए, उन्होंने बताया है कि कांग्रेस कुछ सीटें तो बढ़ा सकती है लेकिन बहुमत में आ नहीं रही है, और यही कारण है कि उसको लेकर लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं अब उस चीज को समझ रहा है, क्योंकि जो पोल्स आए हैं माना जाता है कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे उन पोल्स में व्यक्त हुई हैं, और जो विक्ट्री आ रही है, जो तमाम पोल्स देखें तो 350 के आसपास कैंडिडेट जो बीजेपी के बताए जा रहे हैं वो जीतेंगे, तो उसी के बाद बीजेपी तो पूरी तरह से एक्साइटेड है और उसके लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी टेंट लगाया है, लेकिन जो तैयारियों का सिलसिला बीजेपी में शुरू हुआ है, आप देखिए कांग्रेस में उतनी तैयारियां नहीं है, तो जिसको लेकर उन्होंने टेंट तो लगाए लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर खाने भी एक सवाल है, जो सवाल वो उनकी प्रक्रियाओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस ये तो मान रही है कि उसकी सीटें बढ़ेंगी लेकिन सरकार बनाएगी उसको लेकर वो तैयारियां अभी तक उन्होंने शुरू